प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मंदिर के पुजारी को दबंगों ने गोली मार दी है। लगातार देश भर में साधु संतों के साथ हो रही घटनाओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूपी के गोंडा जिले के इटिया थोंक क्षेत्र में एक मंदिर के पुजारी को बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मार दी है। साधु संतों पर हो रहे हमले में कहीं ना कहीं अब राजनीति रंग भी लिया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, ज़्यादा जानकारी के लिए गोंडा से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता हामिद अली। जी हामिद अली, क्या है पूरा मामला, किसने पुजारी को गोली मारी, क्या वजह थी, शुरुआती जांच में क्या सामने आया है? जी, ये इटिया थोक थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक चिर्रे मनोरमा एक मंदिर है, वहीं के पुजारी हैं। दो पुजारी रहते थे और जिसमें एक पुजारी के ऊपर रात के समय कर लगभग 2 बजे तो बदमाशों ने, अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया, गोली मार दी, जिससे घायल, बहुत बड़ी तरह से घायल हो गए। उनको जिला अस्पताल लाया गया गोंडा, वहां से फिर डॉक्टरों ने उनको लखनऊ रिफर कर दिया गंभीर अवस्था में देख करके। अच्छा, कितने लोग थे जिन्होंने ये हमला किया, कितने लोग थे और आखिर क्या वजह रहा है? ये प्रथम दृष्टया वजह क्या थी, आखिर गोली क्यों मारी? हाँ, उसमें ये वजह पता चल रही है कि उसमें जो जमीनी विवाद का मामला है, कुछ पुरानी रंजिश है जमीन को लेकर, जो भू माफिया उससे कब्जा करना चाहते हैं उसी वजह से है। और पुजारी से पहले भी विवाद हो चुका है, उसी संबंध में 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया, प्रार्थना पत्र दिया गया है पुजारी की तरफ से। क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या अभी तक? हाँ, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, पूछताछ के लिए लाया गया है यहाँ पे थाने में, पूछताछ जारी है अभी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साधु संतों पर हो रहे हमले में, चाहे वो मुंबई महाराष्ट्र पालघर का मामला हो या फिर राजस्थान और अब उत्तर प्रदेश के गोंडा का ये मामला सामने आया है, हालांकि इस पर राजनीति अब जरूर तेज़ हो रही है। और जो गोंडा में घटना हुई है, कहीं ना कहीं इसमें जमीनी विवाद बताया जा रहा है और अब तक पुलिस ने 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। और इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार ने भी क्या जानकारी दी है वो भी सुनिए। थाना इटिया थोक क्षेत्र में तिर्रे मनोरमा गांव में स्थित राम जानकी मंदिर में 2 पुजारी वहां पे जकेटे रहते थे, उसमें से एक जो पुजारी हैं सम्राट दास, उनको बीती रात लगभग 2 बजे गोली मारने की सूचना आई थी। गोली उनके बाएं कंधे पे लग के निकल गई थी और प्राप्त जानकारी पे तत्काल पुलिस की मौके पे पहुंची तथा इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इनकी कंडीशन नॉर्मल थी बट इनको लखनऊ KGMU के लिए रेफर कर दिया गया था, जहाँ की इनकी स्थिति नॉर्मल है। संबंधित प्रकरण में इन्होंने 4 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की तहरीर दी, जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 2 लोगों को पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए पिक भी कर लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि जिन पे इन्होंने आरोप लगाया है, उनके साथ पूर्व में भी विवाद इनका चल रहा है, जमीन संबंधी विवाद, उसी गांव के लोग हैं ये, और पूर्व में भी मुकदमे जो है इसमें पंजीकृत हैं। पूरे घटना की विवेचना की जा रही है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस विवाद को देखते हुए वहाँ पे विशेष सतर्कता बरती जा रही है।